वाहे गुरु। सतनाम तन वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तन 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 जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन्यावन का ई सुहाओ जन का संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जगत तार जाए तन तन आया ते जगत तार जाए तन तन जगत तार जावे जगत
ਸੰਸਾਰ ਤਨ ਤਨ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਤਾਰਨ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 528ਵਾਂ ਆਗਮਨ ਪੂਰਵ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ
दो महीने तो इस समागम की गुरमत समागम की तैयारी आरंभ हो जाती है और कल भी समागम बहुत बड़ा हुआ। आज तो शब्द ही नहीं है कि किदा परमेश्वर का आप प्यार वाली संगतों का धन्यवाद कर सकीए शुकराना कर सकीए। फिर भी मैं अपने गरीबड़े जे शब्दों के नाल संगत जी धन्यवादी हाँ जो आप जी ने सवेरे 9 बजे तो लै करके शाम दे 4 बज गए ने अकाल पुरख नूं परमेश्वर नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अते सतपुरशां महापुरशां नूं प्यार करन वाले गुरमुख प्यारे माई भाई हाली तक गुरु पातशाह दे पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हो किड्डे वड्डे भाग ने साडे। कोई असी कहो जिहा कर्म कीता कि गुरु पातशाह ने सानू अपने चरणों की प्रीत साहिबा ने सानू अपने चरणों का प्यार बख्शिया। संगत जी दास तो पहलो निर्मल संपर्दा उदासी संपर्दा निहंग सिंह जथेबंदियां कारसवाली संपर्दा जिन्हें सिख पंथ दियां महान संपर्दावां हन सारियां दे सतपुरशां महापुरशां ब्रह्म बेतियां बड़े ही तपस्वी फकीरां ने हाजरी लवाई। जे मैं नाम लवां तो नाम कई विचर जांदे है रचना छोटी है। मैं नहीं चाहुंदा किसे साधु जन दा महापुरश दा दास तो नाम विछरे ते भुल होवे अवग्या होवे। इस करके दास गुरु पातशाह दी असीम बख्शिश नाल सारियां ही महापुरशां दा धन्नवाद करदा सारियां ही जथेबंदियां दा महापुरशां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने दर्शन दे करके अज बाबा श्री चंद साहिब जी के आगमन पूर्व सानू अपने रचना तो आशीर्वाद दिता सानू गुरमत नाल जोड़िया सानू बंदगी नाल जोड़िया और बाबा श्री चंद साहिब के पवित्र जीवन ते विचार सुना करके सानू निहाल कीता। धन्यवाद है उन्हां समूचे महापुरशां दा जो हले तक सवेर तो दास नाल स्टेज ते विराजमान हन। संगत जी आप जी ने भी सवेर का चौंकड़ा लाया आओ गुरमत अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं शीश झुकाउंदिआं होइआं इदां फतेह बुलायो कि जिथे बाबा श्री चंद साहिब ने अवतार धारण किया वह धरती बहुत ही दूर नहीं अपने पंजाब दे विच श्री सुल्तानपुर साहिब की पावन धरती है गुरु का बाग जिथे बाबा श्री चंद जी ने बाबा लक्ष्मीदास ने अवतार धारण किया आगमन लिया सारे उस पवित्र अस्थान ते आपां मन नाल हाजिर लवाईए कि गुरु नानक दे घर बाबे नानक दे घर जदों बाबा श्री चंद जी ने आगमन लिया सी ना बड़ियां खुशियां मनाईयां गईयां सन सारे सुल्तानपुर दे विच लड्डू मिठाइयां वंडियां गईयां सन। श्री गुरु नानक पातशाह बड़े खुश सन माता सुलक्खणी ने अपने चन्न नूं गोद विच उठा करके बेबे नानकी जी ने मथा चुम चुम के सारे जगत नूं वधाइयां दित्तियां। अज संगत जी वह दिन है कि आपां बाबा जी बाबा श्री चंद जी का 528वां आगमन पुरब मना रहे हैं। भाई जिन्नी संगत अंदर है जिन्नी बाहर है जिथे तक मेरी आवाज़ जाती है चढ़दी कला दे विच सारे फतेह की सांझ पाओ कोई भी रचना वांझी ना रहे। याद रखिए फतेह बुलाउण दे नाल ही दुख ते पाप ते संताप लै जांदे है जिन्हां दे अंदर प्यार हुंदा गुरु नाल गज के बुलाओ फतेह जी आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की। हुण बणिया माड़ा जिहा कम थकेवां जिहा लै गया सो भाई गल्लां इतिहास दियां जे करिए ते समां बहुत लगदा सवेर तो ब्रह्म बेते रब वर्गियां रूहां परमेश्वर स्वरूप
साधु महात्मा ने आपां नूं जिवें कछागर नूं गागर च पा दिता है, इसे प्रकार महापुरशां ने आपां नूं अनमोल बचन उत्तम छलोक साध के बचन अमलीक लाल इहो महापुरखां ने कोई कमी नहीं रहन दित्ती। इतिहास वाली उन्होंने सागर नूं गागर विच पाउण वाला कर्म किया कि सानू परमात्मा नाल जोड़िया। सो संगत जी, मैं आप जी नूं दसना चाहुंना कि अज इदां जापदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी हजूरी च बैठे हैं और आप सारी संगतां नूं दास दे जीवन का भी अच्छी तरह पता है। सो प्यारियो, अज इदां लगता कि बाबा श्री चंद साहब साडे विच वरत रहे है। और दूसरा श्री आनंदपुर साहिब कलगीधर पातशाह दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसे नूं माता साहब देवा जी दे पुत्र होण दा मान सन्मान छुपाल दिता। और छज करके मैं कह रहा, दास ने सवेर दी अखां नेत्रां नूं बंद कीता। अज साडी ओ मां जिन्हें सारी जिंदगी जत सत ते तप किया, धन माता साहब देवा जी, वह भी संगत जी विराजमान ने संगतां दे। और सच करके जाने खालसा पुत्र माता साहब देवा जी का खालसा पुत्र किन्ने दिनों तो हाजरी भर रहा, परमेश्वर की मिठी बाणी दे सोले मिठे मिठे गीत गा रहा है। और सवेर तो अज उस माता का खालसा पुत्र जिथे बाबा श्री चंद जी जती छती तपस्वी ने संगत जी, उत्थे माता साहब देवा च भी कोई घाट नहीं जिन्होंने महान तपस्या की है। अज वो साड़ी मां की कृपा है सारी, अज साड़ी उस माता की बख्शिश है। अज मेरी वो मां माता साहब देवा भी इस स्थान पर अपने खालसे पुत्र नूं आशीषां दे रही है। कदे भी जिहड़ा बच्चा रोल जांदा ना रोल, तो उहदी आवाज़ हुंदी है अम्मीए मां किथे है, उहदी आवाज़ हुंदी है अम्मीए मां किथे। मेलियां च बच्चा रोल जे संगत जी, असी इस संसार दे मेले च रुले हाँ, त्रिछना की अग, काम क्रोध की अग, लोप अहंकार की अग, वड़ियाई चौधर की अग, पता नहीं असी कड़े कड़े दल दल दे विच फस के अपनी उस मां की उंगल छड बैठे। असी उस बापू कलगीधर पातशाह अते तपस्वी फकीरां दे शहनशाह बाबा श्री चंद साहिब जिन्हां नूं गुरु नानक पातशाह ने वरदान दिता सी कि मेरा जिहड़ा पुत्र लाल है ये दुनिया दे विच उदासी भेख निर्वाण साधुआं दा पंथ जिहड़ा संपर्दा उदासी संपर्दा चलाएगा। अज जेकर दुनिया साधु बनते नहीं, जे साधु कोई बनता है तो उस परमेश्वर की कृपा ही है। असी इस संसार के बड़े मेले दे विच, जगत भी एक मेला ही है संगत जी, इस मेले च असी इन्ने को अपराध कर लैंदे आ कि साड़ी सानू वो खालसा दी जिहड़ी मां जिहड़ा साडा वजूद मूल है असी उहदे नाल टुट जाने आ, तो फिर असी दुनिया च कुराहे पै के धक्के खाने आ, दर दर दियां ठोकरां खाने आ। गुरुदेव सिखो, कदे भी माता साहब देवा नूं ते अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ते फकीरां नूं बाबा श्री चंद जी नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं कदे विसारियो ना। जे साडे अंदर बाणी है, साडे अंदर फकीरां नाल सतकार प्यार है, साडे अंदर बेबे बापू दा प्यार है, तो सच करके जाणियो साडा लोक भी सफल है ते साडा परलोक भी सफल है। संगत जी, लोग उह धक्के खांदे ने जिन्हां नूं अपने बजुर्गां दा और अपना बैकपास्ट भुल जांदा है। अज बाबा श्री चंद साहिब
जिन्हां दे दरबार च देखो किन्ने फुल खिंडे ने गुरु नानक दे घर उदासी निर्मल नियंग सिंह जथेबंदियां आ खालसा पुत्र माता साहब देवा जी दा गुरु गोबिंद सिंह दा जिन्हें भी धियां पुत्र ने पातशाह जी दे ने आओ अज दे दिन वधाइयां दईए गुरु महाराज साडे सारिआं ते कृपा करन सारे रचना पवित्र करियो ओ वधाइयां गुरुआ तेनूं वधाइयां ने 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 अज सारे जगत नू देश प्रदेश दियां संगतां नू बधाइयां संगत जी बाबा श्री चंद साहिब जी जिन्हां नू श्री गुरु नानक पातशाह जी दी पावन गोद दे विच खेडण दा सुभाग समां मिलिया अज कहण नू साडे लोग बहुत कुछ बोल देंदे है ना असी इतिहास पढ़िया हुंदा ना विचारिया हुंदा ना जाणिया हुंदा ना साडा अनुभव ना साडा प्रैक्टिकल याद रखिए कई बार सोचदिया गला ही भार हुंदा श्री गुरु नानक पातशाह ने बाबा श्री चंद साहिब जी नूं जड़े शब्द की आप आराधना की जप तप किया उही शब्द उही बख्शिश उन्होंने अपने पुत्र नूं कीती है। मैं समुची उदासी संपर्दा नूं कहना चाहना चाहे मेरा बुरा मनन कि श्री गुरु नानक प्रजंद नूं पातशाह दे वड्डे साहबजादे नूं अविनाशी मुनियां जोड़न दा जतन प्रयास ना करन ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਖੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 365 ਕਿਤੇ 66 ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ 360 ਆਚਾਰਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
मैं ये पूरी उदासी संपर्दा दे संतां महंतां दे चरणां प्रार्थना करदा भाई समा बड़ा कीमती है। एक समा इहो जिहा होना संपर्दा लुप्त ना कर लियो। गुरु नानक दा बाग है बाबा श्री चंद साहिब उते अकाल पुरख श्री गुरु नानक देव साहब जी दे फरजंद ने। जे अज कोई कहवे कि बाबा श्री चंद जी अविनाशी दे शिष्य ने ते संगत जी दास उन्हां मुनियां नाल उन्हां जिहड़े उदासियां दे विच इस विचार नूं रखदे मैं उन्हां नाल विचार कर सकदा। मैं इन्हां सारिआं दे चरणां च बेनती करदा इतिहास नूं तरोड़ो मरोड़ो ना। उन्हां दी पवित्र आरता जो शब्द उन्हां ने उच्चारण किया उन्हूं उवें रहण दो, जो उन्हां ने मात्रा बाणी उच्चारण की उन्हूं उवें रहण दो। ठीक है 1926 दे विच वादे घाटे करके दो भरा दो लड़ पैण ते घर वक्खो वक्ख हो जांदे ने। 1926 तो बाद उदासी मत ते सिख मत ये वक्खो वक्ख होए ने। बाबे साढ़े बजुर्ग ते श्रोमणी कमेटी ने भी इन्हां नूं गल नाल नहीं लाया। और जदों कोई रोचदा तो रोच के फिर चले ही जांदा, जे मनाउण दा जतन करिए घर वापस आ जांदा। पर साढ़े वालों ने भी मनाया नहीं, गलती दोवें पासों हुई है। मैं बेनती करदा कि बाबा श्री चंद साहब जी दे कोई बनासी मुनि गुरु नहीं, सिर्फ उन्हां दा गुरुद्वैव है गुरु नानक जो अज भी है ते सदीव रहेगा। किसी गल नूं खंडन करना आसान हुंदा पर मंडन करना बड़ा कठिन हुंदा। सो बेनती है जड़े लोग बाबा श्री चंद साहिब दा नाम अविनाशी मुनि नाल जोड़दे कदे भी एहो जे भुलेखे विच ना पओ। दूसरा, माता सुलक्षणी दे घर अवतार धारण कीता, बेबे नानकी दे घर पुत्तर नहीं सी ते भूआ ने अपने भतीजे नूं बड़े प्यार नाल पालिया पोसिया पढ़ाया और महान तपस्वी बनाया। देखो वह भी एक गुरु नानक साहब के पहले शिष्य ने, बेबे नानक जिन्होंने गुरु नानक नूं गुरु मन्या और गुरु नानक भरा है और गुरु नानक दे पहले शिष्य ने बेबे नानकी जी। इसे प्रकार जिन्हां दीआं अखां इन्नियां पाक पवित्र ने, एक भरा नूं रब मन के पूजना बड़ी वड्डी बात है। और पहले शिष्य इसे प्रकार उसे माता ने बाबा श्री चंद जी ने अपनी गोद विच खड़ाया, एक मां दा प्यार ममता भरिया प्यार दिता है। ऐ दुनिया दे लोको, मैं बेनती करदा जिहड़े इस राह तो भड़के है ममता नूं हाजर नाजर समझ के देखो। असीं जेकर बाबा श्री चंद जी जीवन ते कुछ बोलदे आं ते बेबे नानकी दीआं अंदरां किन्नियां दुख दीआं होणियां, उन्हां नूं किन्नी तकलीफ हुंदी होणी है कि जिस पुत्तर नूं मैं छीने ना ला के अरदासां कर करके नानक नूं लिया, अरदासां कर करके बाबे श्री चंद नूं लिया। संगत जी, असीं झट भोले लोग गुरु नानक दे घर नूं उंगल कर दिंदे हां, भले ओह बाकी उंगलां सारियां अपने वल हुंदियां, पहला अपने घर सांभीए। नानक दे घर ना कदे मत्था ना लायो, गुरु नानक दे घर ना कदे भी वैर ना कमायो। गुरु नानक दा घर ओह है जड़े संगत जी 14 जंगा लड़ के भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज बहादुर शाह दे सिर ते ताज रखाए सी। ऐसे गुरु ने कलगीधर पातशाह उन्हां दे मन विच वैर विरोध नहीं सी। गुरु नानक दा घर ते दर सारिआं लई सांझा। मैं बेनती करना चाहुंदा आप जी दे चरणां दे विच कदे भी बाबे दे घर ते उंगल ना करो। आपां अपने घर अपना जीवन सवार लिए, लोक ते परलोक सफल करना है मात लोक च। इत्थे पापां दीआं पंडां सिर ते बन के ना तुरे फिरो। भाई बाबा श्री चंद जी महान तपस्वी ने, महान तपस्वी ने। मेरा बापू अज भी तुहाडे विच विचरदा पिया। सो संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का आप सारिया प्यार वाली संगतां का धन्यवाद है। साढ़े सारे अखाड़ा साहिब जिन्हें भी साधु जन हैं छोटे वड्डे सारिया वालों, तुसी कोई इत्थे बगान नहीं है तो मेरा अपना ही परिवार है।
सारे आपां ऐतवार नूं बुधवार नूं अगों पिछों भी दर्शन करदे आ। मेरा अपना परिवार बाबे नानक ने देखो एक छोटा जिहा परिवार छड्डिया, एडा वड्डा परिवार गुरु साहब ने दिता है। अरदास करियो तुहाडे चरणां दे जोड़े, संगत दे चरणां दे मैं जोड़े झाड़दा रहां और गुरु पंथ दी गुरु घर दी मैं सेवा करदा रहां। संगत जी पिछले दिन कई पिंडां नगरां च जाया नहीं गया, उह छमां दे जाचकां सेहत ढिल्ली होण करके और अगे तो प्रोग्राम शुरू करने ने, फरवरी दे विच सिमरन जाप होना उदों भी शुरू करने ने और जिन्हें भी अज महापुरश आए ने। संगत जी जिहड़ा संत हुंदा उहदा नाम लैणा भी कठिन हुंदा क्योंकि रब दे प्यारे ने, जिहड़े रब नूं प्यारे हुंदे ने ना उह सारे जग नूं प्यारे है। इस करके तुसीं मेरा परिवार हो। हैरानी दी गल है कि समाप्ति होण जा रही है पर संगत हले भी मत्था टेक रही गुरु पातशाह नूं। सत श्री अकाल। और मैं बेनती करदा कि समागम दे विच तुहाडी आस्था नूं जां किसे नूं धक्का वज्जे जां लंगर पंगत किते भी किसे नूं किसे किस्म दी सुविधा च घाट आई है साडे, असीं उहनां अपनियां गलतियां दी तुहाडे तों माफ़ी मंगदे हां और अगे तों समागम दे विच जिहड़ियां सानूं घाटां जां सुविधावां दे विच प्रॉब्लम नज़र आ रही है असी आप जी के सहयोग नाल सोल करांगे। फिर भी बड़ा हल्ला मार के बाथरूम तैयार किए, संगत दे सहयोग नाल इमारतां रहन वास्ते तैयार कीतियां, कमरे भावें ही दो सौ पालिए पर पूरे कोनी जी ने जड़ा भी उन्हां दे बाबा जी कमरा दो। मैं कहा कुलदीप सिंह आपां तां चले तू ही दई चल। तो इस करके ये भी हुंदा ना भी किसे दा दिल ना दुखे, किसी का हिरदा ना दुखे। सारे एक वर्गे ने सानू, सारा अपना परिवार है, जिथे देश दियां संगतां आईयां इत्थे कनेडा अमेरिका इंग्लैंड पूरे यूरोप तो आस्ट्रेलिया तो बहुत फौज आई है। संगत जी हर कंट्री दे विच्चों इत्थे विराजमान, प्यार करन वाले शरीर संगतां विदेशां तो भी तीन चार दिन पहलों हफ्ता पहलों आ जांदियां और सेवा करके फिर जांदे है। हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान बहुत दूरों दूरों संगत आई हैं, सारियां दा दिल दियां गहराइयां तो रोम रोम करके धन्नवाद करदे हां। एक बार फिर मैं बेनती करना कि साढ़े प्रबंध किते भी कोई कमी, लंगर पंगत संगत किते भी तुहानूं धक्का वज्जे असीं माफ़ी दे जाचक हाँ। तुसीं मन विच ना रखियो पर एक गल याद रखियो, गुरु नानक दे दर दा धक्का ना उह दरगाह च कम आउंदा। ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਦੂਜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਕਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਵਾਕ ਨਿਕਲਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਓ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਓ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਡ ਮੇ ਕਰੋ, ਮਾਰੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
तो फिर बाबे जोत की ड्यूटी लाई, मैं क्या भरा तू ही कह जाके कहन का भाव है कि शस्त्र जड़ा है बड़ी वड्डी दात है गुरु कलगीधर पातशाह दी शस्त्र नू। श्री अकाल करके सारिया संगतां दा सारिया सतपुरशां दा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अकाल पुरख दा कई ऐसिया ताकतां ऐसिया शक्तियां भी संगत हुंदियां जड़ियां सानू इन्हां दीवियां नाल दिखदियां, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। और हमेशा मैं संगत च कहना हुंना कि जदों समागम दी अरदास हुंदी है ना, अरदास दे विच जुड़िया करो, चाहे वह देश परदेश दीआं संगतां जिन्हां दे कई इक तरह के कारोबार किसी तरह की समस्या हुंदी है, गुरु नानक दे घर अरदास नूं बहुत माण है, अरदास दे विच बड़ी पावर है, गुरमत दे विच अरदास ही सब तो वड्डी अनमोल दात मन्नी जांदी। तो जदों हुण अरदास होणी है ना, इदां जुड़ियो कि तन ते मन सा इक हो जाण कि रब सानूं देख रिहा है। अज बाबे दे करो खाली नहीं जाना, आ झोलियां भर के जावांगे, बाबे श्री चंद दे मेले ते आए हाँ, कुछ खट के जावांगे, कुछ लैके जावांगे, जिदा घरों आए सी उदा नहीं जाना, कुछ लाहा कुछ आनंद कुछ गुरु नानक की खुशी उहदे चरणां दी प्रीत, औगुणा नूं छड के बुरियाईआं नूं छड के बाबे श्री चंद दे मेले तो अपनियां खाली झोलियां भरवा के घरां नूं जावांगे। श्री अकाल। बस मंगन की जाच होनी चाहिए है, रब ते बेली अपना संगत जी मिल मंगन की जाच होनी चाहिए है, देन वाला बड़ा समर्थ है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा, देन वाला कोई कसर नहीं छड़दा। बस जो असी अरदास कर देने कि मैं छोटी जी घटना दस के समाप्ति कर देनी, एक बड़ा प्यारा बच्चा परदेश च अरदास नाल बचपन तो पढ़िया भी है, उहदे घर काफ़ी समय तो औलाद नहीं, बाबा श्री चंद साहिब जी नूं याद करके वह अरदास कर रहा गुरसिख निहंग बाणी विच, ते उहने अरदास कीती कि पातशाह जी मेरे घर पुत्तर होवे। फिर कहिंदा मेरे मन च आया कि मैं मैनूं एवें प्रतीत होया कि मैं स्वार्थी हो गया, चल जे रब पुत की थान धी भी दे कोई गल नहीं, घर बूटा लगना चाहिए। उहदे घर वाली अरदासां कर रही है, रब्बा की पता पुत्र होवे धी होवे, क्योंकि मन डोलिया हुंदा ना, आपां गृहस्थी लोग आपां डोले हुंदे आ, उह मन विच अरदास कर रही है कि महाराज मेरे घर पुत्र ही होना चाहिए। वह अरदास कर रहे भी धी हो जाए कोई गल नहीं। जदों उहने पुछिया कि तू अरदास की कर रही है, वह कहिंदी मैं तो पुत्र मंग रही हाँ। वह कहिंदा मैं धी मंग रहा, विचार तो अपने नहीं मिलते पे, जे कोई मंगना पहला दोवें जी सलाह तो कर लिए, मंगना की है भी तू पुत्र मंग रही है मैं धी मंग रहा, हूँ बाबा की दूगा। इस करके पहला सोचा करो, अपनी जरा ब्रेन है दिमाग है छुटरोंग रखा करो, मंगना की है लैना की है, फिर देखो ना बाबा झोलियाँ भरे तो मेरी बह फड़िया जी। श्री अकाल। अपने संकल्प न अपने फुरने छुटरों कराया करो, अपने ब्रेन में भी काम दिया करो, कल दिल में नहीं देना दिमाग में भी दो, तो देखो रब जरूर कृपा करता है। बाबे श्री चंद मेले दिया सारिया संगतान देश प्रदेश दिया संगतान सारिया शक्तियों और सारे सतपुरशां सारिया संपरदावान शहीदों संगत जी खालसे पुत्र और गुरु ग्रंथ साहिब नूं वधाइयां वधाइयां सारिआं नूं, गुरसिखां नूं वधाइयां। भाई मेरे तो कोई गलती हो गई होवे, तुहाडा नमाणा जिहा पुत्तर है, मेरा परिवार है, सारे मेरे अपने ने, और जिहड़े शब्द तुहानूं चंगे ना लगे होण भाई वह विसार दिया जे, जिहड़े दास दे शब्द चंगे लगे होए भाई झोली च पा के अपने घरां नूं जाइए। और संगत जी मेरे मन च यह भी हुंदा सी, मैं बाबा कुलदीप सिंह जी सारे जथे नाल मीटिंग कीती कि अपना जिहड़ा समागम है ना आप 7 बजे आ, तो कई संगतां ने घरां नूं जाना हुंदा, छोटे जिहे दिन ने 5:30-5 बजे ना शाम पैणी शुरू हो जांदी भी बड़ी दूर जाना हुंदा, छोटे छोटे बाल हुंदे आ बच्चे नाल हुंदे आ भी घरां नूं भी जाना, तो इस करके तुसीं बड़े बड़भागे हो सारे काम छड के आउंदे हो। तो मैं फिर बाबे सारे महापुरशां नूं बेनती की खालसा साहिब दियां नूं
कि ऐतकी थोड़ी जी जिहड़ी समाप्ति है जल्दी कर दी है, संगत ने लंगर भी छकना हुंदा, विश्राम भी करना हुंदा, तुहाडियां सेवावां बड़ियां ने। कईआं दिनां तों नंगे पैर सारी छा रात संगत बच्चे नौजवान धियां पुत्र मातावां पैणा मेरे वीर सेवा कर रहे ने, तुहाडी सेवा नूं मैं सलाम करदा, मेरा सिर झुकदा। और संगत जी इस करके समाप्ति आपां समें ना कीते कि दिन खड़े खड़े समाप्ति होवे और संगत दर्शन मेला चंगी तरह कर सके। देखो तुसीं बड़े वड्डे भागां वाले हो, एक एक महात्मा दर्शन करन जाइए बड़ा छमा लगता है। ये परमेश्वर की कृपा प्यार है, तुसीं मांडी दी स्टेज ते सारियां संतां दे दर्शन कर लेंदे हो, सारे साधुओं के दर्शन हो जाते हैं, सारियां दे बचन सुन लेने हैं। इन्नियां कु मेरियां बेनतियां प्रवान करे। एक बार फिर मैं कहना गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा श्री चंद जी, आईया संगतां दी, आईया महंतां दी, सब दी हाजरी प्रवान करो और संतां नूं बंदगी ते तंदुरुस्ती लम्मी उम्र बख्शन, क्योंकि इन्हां दे उपदेश नाल असीं जीवन है। संगतां नूं महाराज जीवन और दुनियावी भी तरक्की बख्शे और चढ़दी कला भी दुनियावी तां बख्शे। जिन्ने साधा संतां नूं डर रहिंदे तुहाडियां जिहड़ियां किरत कमाईआं उहदां नाल चलदे आ। जे असीं आखीए वी एडा मेला बाबिआं कल्ले लाया, इह गलत है। तुहाडी ही किरत कमाई नाल अज थान चलदे ने। महाराज तुहानूं भी बरकतां दे, दूजी बरकत तुहानूं नाम दी देवे कि तुसीं आप जुड़ो, अपने बच्चिआं नूं गुरसिखी नाल, गुरमत नाल, गुरु घर नाल जुड़ो। ते संगत जी सारिआं नूं इक वारी फिर वधाईआं। जी तां कोनी करदा हटण नूं, पर हुण करिए कि वी समां वी हो गिआ वा। ते मैनूं तां मैं अग्गे वी कहिआ ना, मैनूं माता साहिब दे वी दिखी जा रही है, साडी माँ हाजर है, हाजर एवें ना समझो। माता बड़ी दयालू है, माता बड़ी बख्शीशां वाली है, माता बड़ी रहमत वाली है। खालसा पुत्र बैठा है, संगत जी माता दे घर बड़ा कुछ है। माता साहिब देवा नूं जरूर याद रखिया करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।